नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है और सभी नेता अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। ऐसे यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी भाजपा की तरफ से दिनेश लाल यादव उर्फ मेरहुआ ने हाल ही में चौंकाने वाली बात कह डाली। दरअसल मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ मेरहुआ आजमगढ़ में हाल ही में पहुंचे थे। बीजेपी सांसद और आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के भवरनाथ स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शनिवार को उद्घाटन हुआ। पहले निरहुआ की जीत के लिए विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ कृष्णपाल, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, अध्यक्ष पीपी राय, जिला प्रभारी अशोक सिंह, पूर्व विधायक राम दर्शन यादव, पूर्व विधायक वंदना सिंह आदि की मौजूदगी में फीता काटकर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वही मीडिया से बात करते हुए निरहुआ ने कहा कि 24 घंटे 300 दिन 12 महीने ये कार्यालय रहता है। हम लोग वो प्रत्याशी नहीं है जो सिर्फ चुनाव में आए, कार्यालय खोलें और चाहे जीतें चाहे हारें भाग जाएं, हम लोग पूरे समय रहते हैं। आज जो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है पूजा पाठ करके किया गया, बाकी ये कार्यालय तो हमेशा रहता है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए निरहुआ ने कहा कि भले ही वो कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ में रहेंगे लेकिन सिर्फ 3 दिन रहेंगे, वो 3 दिन वाले नेता हैं। निरहुआ ने कहा कि हम लोग जमीनी नेता हैं, हार जीत अपनी जगह है लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं। हारने के बाद भी जनता के बीच थे और जीतने के बाद भी जनता के बीच में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगे भी हम जीतेंगे, जनता का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में अच्छा काम किया था, इसके बाद जनता ने अखिलेश को मौका दिया लेकिन वो 4 साल में ही मैदान छोड़कर भाग गए। इसलिए नेताजी का असली उत्तराधिकारी मैं हूं जो नेताजी के काम को आगे बढ़ा रहा हूं। आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया, संगीत महाविद्यालय बन रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो धरती पर काम करता है वही धरती पुत्र मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी हो सकता है, हवा में रहने वाला नहीं। हालांकि निरहुआ ने साफ तौर पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह यादव जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं उन पर भी आरोप लगाया कि वो सिर्फ 2-3 दिन ही यहाँ पर चुनावी मैदान में आएंगे लेकिन हम जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं। और खुद को निरहुआ ने मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब देखना होगा इसका फायदा क्या उन्हें चुनावी मैदान में मिलता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।